न्यूमेरिकल समझने के बाद अब स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला कि जो वैल्यूज गिवन हैं इसमें सेल्फ वेट नहीं बोला जा रहा है, इसमें कहीं नहीं बोला जा रहा है इफेक्टिव स्ट्रेंथ 7.5 सपोर्ट इम्पोज लोड 5 kN/m का बोला जा रहा है। यहाँ इसमें सेल्फ वेट नहीं गिवन है, सेल्फ वेट अलग से निकालना होगा इसके अकॉर्डिंग सेल्फ वेट निकालना होगा। तो कंक्रीट का वेट 25 kN/m³ लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्शन 250 × 300 आ गया। सेक्शन मॉडुलस BD² / 6 से 3.75 × 10⁶ mm³ आ गया। वेट ऑफ द बीम ये 25 kN/m³ जो था 25 kN, इसको बी डी और 25 kN को न्यूटन में कन्वर्ट करना है। न्यूटन के हिसाब से ये आ गया 185 Nm/m। ये UDL बन गया, ये UDL के फॉर्म में होगा जो लोड ले रहे हैं, ठीक है। ये मीटर, ये भी मीटर, ये न्यूटन, न्यूटन पर मीटर क्यूब, मीटर मीटर कन्वर्ट करके ये आ गया 187। क्योंकि देखो ये 25 क्या है, kN/m³ है, इसमें दो बार मीटर मल्टीप्लाई किया गया तो ये पर मीटर तक बचेगा, बस ये पर मीटर बच जाएगा ये वाला बस, ठीक है। तो ये आ गया UDL। आपको ये सब चीज़ें आती होंगी, UDL में कन्वर्ट करना। 25 kN कंक्रीट वेट है, 25 kN को 25,000 N इसको कर लिया, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू न्यूटन में आई है, ठीक है। डेड लोड मूवमेंट WL² / 8, लाइव लोड मूवमेंट WL² / 8। डन, ठीक है। बीम विद कंसेंट्रिक टेंडन, जब कंसेंट्रिक टेंडन होगा तब कंसेंट्रिक वाला, इससे पहले अब मैंने सॉल्व करवाया था, उसमें क्या होगा, PE वाला पोर्शन नहीं आएगा, सिर्फ आएगा P अपॉन A आएगा और M/Z आएगा। ये दो चीज़ें आएंगी, बस ये दो चीज़ें रहेंगी, बाकी तीसरा नहीं आएगा P/Z। अब देखो इसमें न्यूमेरिकल में सॉल्व क्या है, MD और ML अलग अलग करके सॉल्व किया गया है, आप चाहो तो दोनों को कंबाइन करके सॉल्व कर सकते हो प्लस करके, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि देखो MD + ML/Z करना है तो दोनों को जोड़ दो, दोनों मोमेंट्स को आप एक बार में जोड़ सकते हैं। यहाँ पर लाइव लोड मोमेंट, क्योंकि दोनों के यूनिट सेम है, न्यूटन मीटर, तो जोड़ सकते हो। ये अलग अलग करके सॉल्व करके किया जा रहा है समझाने के लिए। डेड लोड मोमेंट और लाइव लोड मोमेंट दोनों की वैल्यू रखेंगे, दोनों की वैल्यूज ये हैं, और अपॉन जेड, जेड की वैल्यू 3.76 आ रखी है, हमें सॉल्व कर रखा है इसको, ये जेड की वैल्यू ये है, ये वैल्यू आ रखी है, इसको पी, और इसको P/A/M/Z क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमें पी की वैल्यू पता ही नहीं है ना, इसमें पी की वैल्यू पता ही नहीं है, ठीक है। तो इस पी की वैल्यू को निकालने के लिए, इस पी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको दोनों इक्वेट करना पड़ा, क्योंकि होता यही है कि P/M/Z इसको इक्वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि जस्ट अवॉइड द टेंसाइल स्ट्रेस। P/A-M/Z क्यों किया, क्योंकि अभी इसको समझोगे, अगर यहाँ से समझते हैं, हम चलते हैं इसमें जो सेंट्रोइडल एक्सिस था, सेंट्रोइडल एक्सिस वाले न्यूमेरिकल में चलते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या था, देखो ये पॉजिटिव था और ये निगेटिव था, ठीक है, ये पॉजिटिव था और ये निगेटिव था, यानी कि इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट जो आना चाहिए वो आना चाहिए इक्वल टू 0, ठीक है। अब पहुंच गए हम नीचे, न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कंसेंट्रिक टेंसाइल सो एज टू जस्ट अवॉइड द टेंसाइल स्ट्रेस एट द सॉफ्ट टेंसाइल, क्योंकि सॉफ्ट पे टेंसाइल स्ट्रेस ही आएगा, सॉफ्ट पर टेंसाइल स्ट्रेस से जो कोई भी वैल्यू आएगी टेंसाइल स्ट्रेस, ये P/A वाला मैंने दिखा दिया ऊपर, ये पॉजिटिव और ये पूरा M/Z वाला पोर्शन बॉटम के लिए, सॉफ्ट मतलब ये पोर्शन बॉटम का पोर्शन इसको सॉफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर जस्ट अवॉइड करने के लिए, यानी दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो होना चाहिए, कंबाइंड इफेक्ट 0 होना चाहिए। अगर बोलता जस्ट टू डेवलप ए 10 न्यूटन स्ट्रेस, तो ये 0 की जगह ये 10 न्यूटन रख देते हैं,
ठीक है, जीरो की जगह ये 10 न्यूटन रख देते हैं। अभी बोला है जस्ट अवॉइड, अवॉइड मतलब जीरो करना है, तो इसकी जगह पे हम जीरो कर दे रहे हैं। ये यहाँ पे दोनों का कंबाइंड इफेक्ट का जो रिजल्ट कोई हम वैल्यू अभी तक निकाल रहे थे, इसको हमने जीरो वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद ये सॉल्व किया तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई इक्वल टू में, क्योंकि एक प्लस एक माइनस इक्वल टू दूसरी तो चला गया। वैल्यू सॉल्व कर दी, क्योंकि एक वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू रख देंगे, एक वैल्यू रख देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे सारा, तो इस पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया कंसेंट्रिक टेंडन के लिए। अब इसेंट्रिक टेंडन के लिए क्या होगा, पी अपॉन ए पी ई अपॉन जेड। ये देखो पी अपॉन ए भी कन्फ्यूज़न होगा आपको कि प्लस कैसे होगा, ये प्लस कैसे होगा या माइनस कैसे होगा। बस वही चलता हूँ इसेंट्रिक टेंडन समझाता हूँ। वहाँ पे जो प्री स्ट्रेस गिवन था, बेंडिंग स्ट्रेस, देखो ये वाला पी अपॉन ए का है, ये पॉजिटिव होगा। ये बॉटम की बात कर रहे हैं क्योंकि हम बॉटम के लिए जो भी वैल्यू दिए है ये सॉफिट पे दिए है बॉटम वाली। तो ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। यानी कि जो वैल्यू है ये पी अपॉन ए पॉजिटिव, ये पी अपॉन जेड यहाँ पे पॉजिटिव, ये वाली यहाँ पे पॉजिटिव और ये वाली एम बाई जेड निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे पी अपॉन ए पॉजिटिव, पी अपॉन जेड पॉजिटिव, एम बाई जेड निगेटिव, सब वैल्यू रख दी गई। रख करके इसको जस्ट सॉल्व कर देना है। अब इक्वल टू जीरो कैसे, क्योंकि अवॉइड करना है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस की कोई वैल्यू दी जाती है कि इतना स्ट्रेस प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो वैल्यू हम यहाँ पे जीरो की जगह वो वैल्यू रख देते। रख करके सॉल्व कर दिया। अब ये क्या है कि अगर ये इन सब की वैल्यू गिवन होती, इन सब की वैल्यू गिवन होती तो सॉल्व होकर के कोई वैल्यू मिलती हमें यहाँ पे, यहाँ पे कोई वैल्यू मिलती हमें, यहाँ पे कोई वैल्यू मिलती। अगर अभी क्या है, इस वैल्यू को जीरो दे दिया है और पी को पूछा जा रहा है, तो पी को यहाँ से कॉमन ले लिया और सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया, पी की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, एक आ गई 483 और एक में आ गई 483, एक में आ गई 966। देखिए सिर्फ दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए, दोनों का 483 966 दोनों का कंपैरिजन देखो। इसमें अगर प्रीस्ट्रेसिंग उतना डिज़ायर्ड डिस्टेंस चाहिए तो 966, ठीक है, और 483 इसकी जो है जब इसेंट्रिक होगा तब। तो ये तुम्हारा दो केस क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट केस विल बी प्रीस्ट्रेसिंग बीम विद बेंट टेंडन, प्रीस्ट्रेसिंग बीम विद बेंट टेंडन, प्रीस्ट्रेसिंग बीम विद बेंट टेंडन, इसको अगले उसमें मैं पढ़ाऊंगा। अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही।